नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। थराली से बड़ी खबर मिल रही है, भारी बारिश से बढ़ा है पिंडा नदी का जलस्तर। लगातार भारी बारिश के चलते रामलीला मैदान से लेकर आवासीय मकानों तक पहुंचा है पानी। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने का किया है अनुरोध। साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। लगातार सायरन बजाकर किया जा रहा है लोगों को अलर्ट। लगातार बारिश से जलस्तर और भी ज़्यादा बढ़ने की जताई जा रही संभावना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थराली में भारी बारिश से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है, साथ ही सायरन बजाकर लोगों को लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अभी पानी का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है नदियों का, और अब क्या माने कि लोगों को किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि जो कल से लगातार जो बारिश हो रही है उससे पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, और देर रात ये जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिसके चलते प्रशासन की जो पुलिस पेट्रोलिंग टीम है वो मौके पे गई और लोगों को सायरन बजा के अलर्ट करने की उन्होंने कोशिश की और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील पुलिस द्वारा की गई। वही प्रशासन इस पिंडर नदी के जलस्तर, जो बढ़े हुए जलस्तर है, उसको लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड पे था। देर रात जिस तरीके से यहाँ पे जो आवासीय मकान है पिंडर नदी के किनारे, उन्हें अलर्ट किया जा रहा था, सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा था। हालांकि सुबह होने तक पिंडर नदी का जलस्तर कम हो गया और लोगों ने राहत के सांस ली, लेकिन अब जिस तरीके से आज भी दिन भर बरसात होने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा बताई गई है, और अभी सुबह से ही लगातार बारिश पूरे क्षेत्र में हो रही है। बुग्याली क्षेत्रों की बात करें तो ऊपरी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि सुबह पिंडर नदी का जलस्तर कम होने के बाद फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है, लेकिन जो नदी किनारे जो आवासीय मकान है उन्हें कम से कम एहतियात बरतने के लिए प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर रहने की उनसे अपील की जा रही है और नदी क्षेत्रों में ना जाने की प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है। मोहन, क्या माने अभी लोगों को किस तरह से जो है वो जागरूक भी किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, सायरन बजा करके भी आपने बताया कि लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो क्या माने लोगों में एक डर भी देखा जा रहा है इस दौरान? जी देखिए, नदी किनारे की अगर बसावट की बात करें तो एक अच्छी खासी आबादी नदी किनारे के आसपास लोगों के मकान बने हुए हैं, जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि पिंडर नदी में लगातार जो गाद और मलबा है वो जमा होने से जो नदी का तल है वो काफी ज्यादा उठ गया है। ऐसे में जब भी इस तरीके की मूसलाधार बारिश होती है, कहीं क्लाउड ब्रॉस्ट होता है, बाला पड़ते हैं, जिस तरीके की घटनाएं इससे पूर्व भी हुई है, उससे नदी का तल बढ़ने के चलते पिंडर नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं भविष्य के लिए एक बड़े खतरे का संकेत पिंडर नदी को देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ गाद और मलबे की सफाई जब प्रॉपर चैनलाइजेशन जब तक ना हो तब तक कहीं ना कहीं पिंडर नदी डराने का ही काम कर रही है। बिल्कुल मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और धर्मसिंह नगर जिले के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शुक्रवार के लिए प्रदेश भर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की गई है। अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी, लेकिन चेतावनी की बात करें तो जो लोअर कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर पूरा कुमाऊं रीजन, जैसे नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा है, ऐसी पौड़ी हो गया, चमोली हो गया और देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है। उत्तराखंड में जब जब चुनाव आता है तब तब धर्म की राजनीति शुरू हो गई जाती है। ऐसे में प्रदेश में आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर जब धर्म को लेकर पक्ष और विपक्ष में खूब बयानबाजी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए।
बीते दिनों देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगे पोस्टर को लेकर खूब सियासत हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और पोस्टर को हटा दिया गया। लेकिन अब हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसते हुए इसे भाजपा की कायराना हरकत करार दिया है। हरीश रावत का कहना है कि कायरों के पास साहस नहीं होता है, इसीलिए जैसे ही ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, भाजपा ने वहां से पोस्टर हटा दिए। ये भाजपा की कायराना हरकत थी और इसलिए कायर में स्थितियों को झेलने का साहस नहीं होता है। जैसे ही मीडिया के अंदर ये समाचार आए तो भाजपा ने वो बोर्ड हटा लिए। तो ये जो कुछ उन्होंने किया है भाजपा की सूचित सुनियोजित घृणा फैलाने की कायराना हरकत थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इशारा केदारनाथ उपचुनाव की ओर भी किया है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, इसीलिए सिर्फ मजार, मुस्लिम और यूसीसी का राग गाती रहती है। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग की घटना भाजपा की कायराना हरकत का सूचक प्रमाण है। ये पार्ट क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि फिर से सरकार जो है मजार शरणम गच्छामी, क्या है वो आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी शरणम गच्छामी और मुसलमान शरणम गच्छामी, दूसरे शरणम गच्छामी, तो इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यदि बताने के लिए कुछ होता तो ये इश्यूज पर, विकास के इशू पर, जनकल्याण के इशू पर चुनाव में जाते, वो इश्यूज तो है ही नहीं इनके पास। इसलिए जो है ये इन इश्यूज में ये जो रुद्रप्रयाग में इनकी कायराना हरकत है, वो हरकत इसका द्योतक है, इसका प्रमाण। हरीश रावत के बयान पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि देश में तुष्टिकरण और अराजकता की राजनीति करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात किसने की थी? उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस भाजपा का विकास पत्र देखने की बात करती है तो उससे यूसीसी, धर्मांतरण विधेयक, अटल आयुष्मान जैसी तमाम योजनाएं हैं जो प्रदेश हितकारी हैं। धामी सरकार ने हजारों लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। हम कहां मजार मजार चिल्लाते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में तो वही मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे। इस देवभूमि में, इस वीरी भूमि में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, वही तुष्टिकरण की बात कर रहे थे। उनके नेता ही देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, इस तरह की बातें वही लोग करते हैं। तो इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति करना, देश में अराजकता की राजनीति करना, यह कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस का चरित्र रहा है। हमारा अगर आपने विकास पत्र देखना है तो उसमें यूसीसी भी है, उसमें धर्मांतरण विधेयक भी है और उसमें राजस्व क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में बने हुए या अवैध दरगाह, मजारे और अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। और इसके साथ साथ हमारे खाते में जनधन खाते भी हैं, हमारे खाते में अटल आयुष्मान जैसी योजनाएं भी हैं, हमारे खाते में जो हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। यह अकेली सरकार है पुष्कर सिंह धामी जी की, यह अकेली सरकार है जिसने अपने इस कार्यकाल में हजारों लोगों को सरकारी रोजगार देने का काम किया। और यह आंकड़ा 20 से 22,000 के ऊपर जा रहा है कि जिसमें हमने प्रत्यक्ष रोजगार देने का काम, सरकारी रोजगार किया है, और अप्रत्यक्ष रोजगार जो स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को हमने अवसर देने का काम किया है उसकी संख्या भी लाखों में है। यह अकेली ऐसी सरकार है जो निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य के बारे में, बेहतर भविष्य के बारे में लगातार सोच रही है और उस पर काम भी कर रही है। धर्म को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब बयानबाजी हो रही है। एक ओर जहां विपक्ष दल भाजपा पर आरोप लगा रहा है तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। ऐसे में धर्म की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पतंजलि योगपीठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने स्वागत किया है। सीएम धामी ने युवा धर्म संसद कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया है।
तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत अभिनंदन भी क्या क्या है। पतंजलि योगपीठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ रामदेव भी मौजूद हैं और साथ ही बाल कृष्ण आचार्य भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, जहां पर युवा धर्म संसद कार्यक्रम में प्रतिभाग इस दौरान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, साथ ही उनके तमाम विधायक भी पहुंचे हुए हैं बीजेपी के, और आज रामदेव और बालकृष्ण आचार्य ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया है। इस दौरान युवा धर्म संसद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने उनका स्वागत अभिनंदन किया है। साथ ही सीएम धामी ने युवा धर्म संसद कार्यक्रम में इस दौरान प्रतिभाग भी किया है। पतंजलि योगपीठ में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ भाजपा के भी तमाम नेता मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं लोग। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पतंजलि योगपीठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत भी हुआ है। समा चाहूंगा कि मैं पूज्य बजरंग देव जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी का स्वागत करेंगे। अब मैं ये पूरा कर लूं स्वागत का चरण, उसके बाद कर लेते हैं। हरि ओम। शन्नो मित्र शंवरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम हरि ओम सुशांतिर्भवतु। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नम साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। विराट पुरुष परमात्मा को देश और काल में देखते हुए उनके भौगोलिक आयाम की दिव्यता को परिभाषित करने के लिए भारतवर्ष ने अपने भूगोल को सप्तपुरियों में पहचाना है और उन्हें सात मोक्षदायिनी पुरियां कहते हुए विष्णोः पादम अवंतिकाम इत्यादि की चर्चा करते हुए मायापुरी हरिद्वार की चर्चा की है। किन्हीं के लिए हरिद्वार, किन्हीं के लिए हरद्वार, और हम सब के लिए यह जो गंगा द्वार तीर्थ है, इसमें महर्षि पतंजलि की आभा को एक बार फिर से प्रदीप्त करने वाले और सनातन धर्म की आभासी अवधारणाओं। यह अलग बात है कि 2017 से ही उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और डबल इंजन सरकार में अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। देश भर के पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड अपराध के मामले में सबसे ऊपर है, लिहाजा बीजेपी सरकार की नीतियों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि विपक्ष के आरोपों पर सत्ताधारी बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ सफाई दे रहे हैं। पचहत्तर साल के उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे हैं और बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। हरदा बारिश में भी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं कि कांग्रेस महिला अपराध पर भी राजनीति कर रही है। कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश की जनता को कांग्रेस वाले गुमराह कर रहे हैं। देखिए, निसंदेह कुछ इस तरह की घटनाएं हुई है जो वाकई गंभीर है और चिंतनीय है और इसमें हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है और सरकार बहुत बेहतर कानून बना रही है और उसी के चलते
जो अपराधी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो अपनी बहन बेटियों की असमत के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, उनकी जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। हमारी बहन बेटी की आबरू केवल एक बार असमत लूटने का काम होता है, लेकिन कांग्रेस बार बार सड़कों पर आकर या प्रेस के माध्यम से बार बार उसकी असमत को लुटाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहन बेटियों की जो असमत है उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का प्रकरण नहीं है। इसमें हम सबको मिलकर के एक ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसमें जो हमारे गलत काम करने वाले लोग हैं, जो कृत्य करने वाले लोग हैं, उनको कठोर से कठोर सजा मिलने का काम हो। पर सरकार बेहतर काम कर रही है, शायद कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा, और इसीलिए बार बार वो इस तरह के प्रकरण उठा करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और झूठ बोलकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लूट डकैती की बढ़ती घटनाओं और अपराधियों के ना पकड़े जाने को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े डकैती हो जाना और इतने दिनों बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है, ये चिंता का विषय है। पड़ रही हैं और डकैतों को पकड़ा नहीं जा रहा है और नारे लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लूट का माल आधा आधा, ये सिद्धांत जो है ये आज की जो व्यवस्था है वो इस सिद्धांत पर काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दुखद हैं और बड़ी अफसोसजनक हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग सड़कों पर इस मूसलाधार बारिश में उतर करके आए और दिन दहाड़े सबसे व्यस्त इलाके के अंदर डकैती पड़ती है, जहां दर्जनों पुलिस के लोग दल कार्यरत हैं, वहां डकैती पड़ती है और डकैती डाल करके चल देते हैं। इससे राज्य की में असुरक्षा की भावना बढ़ी है और अभी तक भी डकैती का खुलासा नहीं हुआ है, ये बड़ी चिंताजनक बात। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम चाहते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो और डकैतों के खिलाफ कार्रवाई हो और सामान्य नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करे। हरीश रावत हरिद्वार से आरोप लगा रहे थे तो देहरादून पार्टी कार्यालय में बैठकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज राज्य के हालात बहुत खराब हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के सीएम को राजा की तरह काम न करने की नसीहत दी है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री को पता ही नहीं कब उनके विभाग के तबादले या पदोन्नति कर दी जाती है। राज्य की महिला कैबिनेट मंत्री के पति के नाम पर कोई महिला आधार कार्ड बनवा लेती है। उन्होंने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। महिलाओं पर लगातार अपराध हो रहे हैं और अपराधी भाजपा के कुनबे के होते हैं। देखिए, राज्य में इस समय सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है, चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री FIR करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक लगातार दो बार स्थगित हो गई, मंत्रिमंडल की बैठक हो नहीं पा रही, शिक्षकों की हड़ताल, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त, महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। सरकार नाम की चीज़ कोई प्रदेश के अंदर है नहीं। प्रचंड बहुमत इस राज्य की जनता ने दूसरी बार दिया बीजेपी को, लेकिन हालात प्रदेश के जिस प्रकार से बीजेपी ने कर दिए हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी, जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमें चिंता है कि राज्य की जनता का जो हाल हो रहा है, विद्यार्थियों का जो हाल हो रहा है, मरीजों का जो हाल हो रहा है, आम जनता का जो हाल हो रहा है, बहुत बुरा है। उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है।
इस सरकार के खिलाफ हम सड़कों पर जो हमारा आंदोलन चल रहा है और विशेष तौर पे महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के मामले हैं वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं और भाजपा के अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी के लोग बेशर्मी से उनका बचाव कर रहे हैं, पुलिस एक्शन नहीं कर रही है, उनको मौका दे रही है कि वो कोर्ट से जमानतें कर लें। ये हालत पूरे प्रदेश की भाजपा ने आज बना दी है। हमारे पूरे राज्य के अंदर जो स्थितियां हैं उसके खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर रही है, लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार को अब हम चैन से बैठने नहीं देंगे। बीजेपी की सरकार में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो चिंता का विषय है, लेकिन सवाल है इसका जवाब समाधान क्या है। विपक्ष का आरोप है और सरकार की दलीलें, और इन सब के बीच सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड अपराध के मामले में पहले स्थान पर है। कहते हैं एक समय ऐसा था जब प्रदेश में अपराध की घटनाएं ना के बराबर घटती थी, और अब मैदान से लेकर पहाड़ तक चोरी, छिनेती, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बैठकें करते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार अपराध की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मसूरी देहरादून मार्ग पर हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं मसूरी घूमने आए नोएडा के पर्यटकों की कार शिवालिक मैगी पॉइंट मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से दो की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पौने छः की लगभग ये घटना है, जिसमें कि हम लोग को सूचना मिली कि एक गाड़ी गिरी है, तो हम आनंद फान में यहाँ से भी आए, फिर मैंने देहरादून से भी फायर सर्विस को बुलाया और मसूरी के भी आए, स्थानीय सभी पहुँच गए थे। और ये गाड़ी बताते हैं वो गाज़ियाबाद के थे इसमें लोग, जो कि मसूरी घूमने आ रखे थे, और ये गाड़ी लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में गिरी। इसमें 6 आदमी सवार थे, जिसमें से कि 4 को पहले भेज दिया और 2 अब सभी ने रेस्क्यू सकुशल संपन्न कर दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।